हप्पू सिंह बिल्कुल मजनू बनकर घूम रहे हैं, क्योंकि हप्पू सिंह को ये पता लग गया है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से वो रोक ले मुझे वहाँ जाने से। तो उनका प्लान ये है कि वो मुझे आके छेड़ेंगे और मैं उनके ऊपर गुस्से में हाथ उठाऊंगी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा गुस्सा तेज़ है और मैं ये नारी मुक्ति के चक्कर में उठ जाऊँगी। तो उन्होंने ऐसी पूरी कोशिश की छेड़े, लेकिन हुआ क्या, पासा पलट गया, पीछे से भीड़ आ रही थी और भीड़ ने जब देखा कि वो लड़की को छेड़ रहे हैं, तो भीड़ ने उनको बिल्कुल फुटबॉल की तरह उड़ा उड़ा के मारा है, पूरी गली मारते हुए ले गए उनको। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी इस प्लानिंग के पीछे आपके ही पति का हाथ है? नहीं, इसमें कोई पति का हाथ नहीं है, ये तो मैं जेन्युइनली जाना चाहती हूँ। पति तो खुद ही बेचारा अंग्रेज मतलब आपको रोकने के लिए, क्योंकि वो और तिवारी जरूर प्लान करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं नॉल ताकि अनीता ना जाए। अच्छा, कि उनका क्या प्लान है? नहीं, उनके प्लान हैं लेकिन कुछ चल नहीं रहा है अभी। वो विभूति भी अंग्रेज़ बनकर रोमांस करने आया था, मैंने उसको टरका दिया, मैंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, जाओ अपनी पैकिंग करो। ऐसा पहली बार हुआ है कि वो रूप बदल के और आपने मना हाँ, किया? इस बार मैंने ठान लिया है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, मेरी फेयरवेल पार्टी भी अभी होने वाली है थोड़ी देर में, मैंने सबको इनवाइट किया है, तो जैसे ही शाम होगी वह फेयरवेल पार्टी में सब लोग आने वाले हैं, मैं सबको बाय कहकर अमेरिका जा रही हूँ डॉलर्स कमाने। फ्लैशबैक हमेशा मतलब पास्ट की यादें हमेशा अच्छी होनी चाहिए, की सारी यादें बहुत खूबसूरत और प्यारी। बाद में मान तो भरी बच्चा है, नाक तो भर दिया, अब बस तो पीछे तक नहीं लंबी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो, उसने सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाई है मेरी तो। हाँ, ये थोड़ा ये जो लास्ट इश्क वाला जो होली वाला प्यार है ना, ये बात का फ्लैशबैक है, वो ये सारी चीज़ें याद करके और चौधरी को याद करके बहुत सैड फील करता है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाते होते जा रहे हैं आपका रिश्ता पास माई को बस चौधरी की, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वो बहुत जल्द मर जाएगी, कोशिश पूरी कर रही है कि कुछ हो जाए, मेरे लोग वो बच जाए, बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक होप ज़्यादा है कि बचने की। और बात से दिन भर याद करके होते रहता है, अपने आप पूछते रहता है कैसी क्यों गलती होगी, और वो दोनों एक दूसरे को दूसरी तरफ शॉर्टी भी रो रही है एंड डीलिंग विद ऑल प्रॉब्लम्स अलोन विद टीनेजर्स। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, थैंक यू।